अस्सलाम वालेकुम सजनों तबेलियों मखरों तो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की न्यूज़ की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कनेक्ट कशान अपनी वीडियोस की शूट कर रहे थे, जहां पर दो आदमी आए, उन्होंने आकर कनेक्ट कशान के कैमराज मोबाइल वगैरह छीन लिए इनकी टीम से। तो उसके बाद अब कनेक्ट कशान अब वही वीडियो की दोबारा शूटिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि ये देखो हमने अब गार्ड भी रख लिया। तो वीडियो का वो पार्ट दिखा देते हैं आप लोगों को। हफ्ते बाद फिर से हम वही शूट कर रहे हैं और बाहर ही शूट कर रहे हैं और फैसल भी है। ये फैसल हमारे अंदर सीन चल रहा है एंड लुक एट दिस। नहीं इसको नहीं, इसको देखिए, ए बॉय। तो अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि गंजी स्वैग की तरफ से है। तो गंजी स्वैग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बता रहे थे कि बच्चों को गाड़ियां वगैरह मत दिया करो, मतलब कि एक पेरेंट्स को मैसेज दिया और एक एक्सीडेंट के बारे में अपना ओपिनियन बता रहे थे कि बच्चों को गाड़ियां वगैरह मत दिया करें। वो वीडियो का पार्ट दिखा देते हैं आप लोगों को। प्लीज अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। मैं गाड़ी की आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ। दो बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी शक्ल नहीं दिखा रहा, ठीक है। वो पीछे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ये खाली रोड होता है, तो देयर इज नो रीजन फॉर अ कार टू फ्लिप लाइक दैट अनलेस यू आर ओवर स्पीडिंग, और इस रोड पे ये बहुत होता है। प्लीज अपने बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ना पकड़ा दें। बहुत छोटे बच्चे थे वो, थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। तो चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि बीरा खान द रोड शो की तरफ से थे। आप लोगों ने उनका चैनल भी देखा होगा कि जो कि जुकते मारती हैं दूसरों को और वीडियोस बनाती हैं। उनका एक इंटरव्यू लिया गया एक चैनल पर, जहां पर उनसे पूछा गया कि आपकी ख्वाहिश वगैरह क्या है। तो उन्होंने बीरा खान ने बताया कि मैं दिलजीत के साथ एक काम, मतलब एक फिल्म करना चाहती हूँ। मतलब कि वो वीडियोज लोगों ने, उनके फैंस वगैरह ने बहुत ज्यादा शेयर की और वो वीडियो दिलजीत तक भी पहुंची है। तो वो वीडियो का आपका पार्ट दिखा देते हैं, जहाँ पर बीरा खान रिक्वेस्ट कर रही थी और अपनी, मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं अपनी ख्वाहिश ही बता रही थी, वो दिखा देते हैं। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो आप पूरी देख सकते हैं जहां पर इंटरव्यू हुआ था उनका। यार एक ख्वाहिश हैगी यार, जड़ी पता नहीं पूरी हो रही कि नहीं, लेकिन हैगी दिलजीत ख्वाहिश मतलब काम करना चाहती लाइफ दे विच ना। तो कभी मीटअप हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हाय रब्बा, पहले तो मैं खुश होवांगी ना कि वाकई मैं मिल लिया, ते और तो बाद काम भी करना चाहती मैं ना। तो मूवी में काम करना चाहती है कि वैसे ही कोई ना कोई इंटरव्यू वगैरह? नहीं मूवी से। अच्छा मूवी में उनकी हीरोइन बनेगी? हाँ जा रही, तो पहन तो बनन तो रही मैं। तो इसके बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके बाद दिलजीत तक ये वीडियो पहुंची और दिलजीत ने कुछ ये कहा, फिर अबीरा जी थोड़ी वीडियो मेरे तक पहुंच गई, जल्दी फिल्म में काम करेंगे आप हैश अबीरा खान। तो ये अबीरा खान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप भी अबीरा खान के मतलब फैन है और सब्सक्राइबर भी है उनके, तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट में बताए कि ये अबीरा खान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अभी अबीरा खान का इस पर रिएक्शन नहीं आया, अगर आता है तो आपको बता दूंगा। तो अगली न्यूज की बात करते हैं, तो चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं। तो ये न्यूज तो नहीं है, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे है जो कि हमारे डक्की भाई की है, जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे। अगर वीडियो तो कुछ लेट हो जाएगी, लेकिन उनका बर्थडे जो था जो कि 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को था, वो सेलिब्रेट करते हुए मतलब उन्होंने वीडियो भी शेयर की। मिस्टर जे प्लेज ने हैप्पी बर्थडे विशेज की उन्होंने, मतलब कि हमारी तरफ से बहुत बहुत विशेज हो डक्की भाई को। तो मेरी वॉइस को प्लीज़ इग्नोर मारना है, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो यार प्लीज़ उर्दू को इग्नोर मारना है और वीडियो को लाइक करना है। तो वो वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं, जहां पर डक्की भाई की बर्थडे थी और वो वीडियो मिस्टर जे प्लीज़ ने मतलब शेयर की है। हैप्पी बर्थडे साथ, तुम डकी से पहले साथ हो हमारे लिए, ठीक है ये चीज। सर माजरत यार, बहुत जबरदस्त।
तो आज सभी डकी भाई को बर्थडे विश कर सकते हैं, कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे डकी भाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब कम्युनिटी से आप लोगों को बाखबर भी रखता हूँ, ऐसा कॉन्टेंट देखना पसंद करते हो, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो अगली न्यूज तो नहीं है लेकिन दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर दो जहाँ पर डकी भाई, मिस्टर जे प्लेज और बाबा ओपी एना पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे डकी भाई। तो उन्होंने दोनों ने लाइव स्ट्रीमिंग पर तीनों ने ट्वर्क किया जो कि बहुत ज्यादा फनी है। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो चलते हैं वो वीडियो का वो पार्ट दिखा देते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पूरी वीडियो देखनी है तो लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। फंस गया कैसे लोगों में ससुरा, जन्नती है मेरा आलू बकरा, फंस गया कैसे लोगों में ससुरा, जन्नती है मेरा आलू बकरा, फंस गया कैसे लोगों में ससुरा। आए हाय चैंपियन 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 ऊपर 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 लेट्स गो जा जा और कैमरा क्यों और अगर आप लोग ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो तो यार गलती कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा और वीडियो को लाइक कर देना है। और डकी भाई को बर्थडे विशेस करनी है कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें क्योंकि अगर कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। तो आज के लिए बस यही न्यूज थी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।